हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। तो दोस्तों, हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं, हमारा जो कोई सी भी कंपनी का अगर जो सीलिंग फैन आता है दोस्तों, जिसमें कि तीन तार निकले हुए रहते हैं अंदर से। ये देखिए, कुछ इस तरह से तीन तार निकले हुए रहते हैं जिसमें कामन अंदर से ही बनाया हुआ रहता है दोस्तों। तो अगर गलती से वो वायर हमारे कैपेसिटर के निकल जाए या फिर कोई निकाल दे या कुछ कारण से, आप कैसे पता लगाएंगे कि कौन सा इसमें कामन वायर रहता है दोस्तों? जैसे कि ये आपको बता दें, ये हमारा क्रॉम्पटन ग्रीव्स का फैन है दोस्तों। ये देखिए, ये क्रॉम्पटन ग्रीव्स का है। ये देखिए, यहाँ पे भी क्रॉम्पटन लिखा हुआ है इस पर। तो इसमें दोस्तों देखिए क्या हुआ है, इसमें ये देखिए कुछ इस तरह से तीन तार अंदर से निकले हुए हैं हमारे। ये देखिए, इसमें कौन सा कामन वायर है वो हम इसमें किस तरह से पहचानेंगे और उसका क्या तरीका रहता है पहचानने का। क्रॉम्पटन सीलिंग फैन ही नहीं दोस्तों, कोई सा भी सीलिंग फैन हो जो जिसमें तीन तार निकले हुए रहते हैं अंदर से कनेक्शन के, जिसमें कौन सा कामन होता है वायर रहेगा वो हम किस तरह से पता लगाएंगे, वो इस वीडियो में हम आज बात करने वाले हैं दोस्तों। तो देखिए, कुछ इस तरह से इसमें तीन तार हैं, एक हमारा रेड वाला, एक ब्लैक और एक येलो वाला। ये तो हमारे दोनों दोस्तों कैपेसिटर के हैं। चलिए हम ये कैपेसिटर अलग हटा देते हैं इसमें से इस तरह से। तो किस प्रकार से इसका पता लगाया जाए दोस्तों, वो हम बताएंगे। तो इसमें क्या है दोस्तों, अलग अलग तरीके रहते हैं इसको पता करने के लिए कि कौन सा वायर हमारा इन तीनों में से कामन बनेगा दोस्तों, कामन होगा दोस्तों। अगर आपने खोला होगा पंखा तो आप अंदर से ही देख लेंगे कि इस कलर का हमारा तार कामन इसमें बना हुआ है। और अगर नहीं खुला हुआ, जैसे कि ये हमारे पास में आया अभी, कस्टमर ने किसी कारण से इसमें से तार निकल गए थे, अब उससे तार लग नहीं पा रहे इसमें, तो अब इसमें कौन सा हम कामन बनाएंगे, किस तरह से बनाना होगा वो इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं दोस्तों। तो हमको क्या करना होगा दोस्तों, इससे मल्टीमीटर से भी चेक किया जाता है, हमारा डिजिटल मीटर आता है उससे भी आप चेक कर सकते हो। तो हम आपको एक ईजी तरीके से बताएंगे इसको कि किस तरह से इसको कामन को पहचाना जाए दोस्तों। तो हम क्या करेंगे, एक सीरीज बल्ब से आपको इसको चेक करके दिखाएंगे दोस्तों। तो चलिए हम बताते हैं आपको क्या करना है, सीरीज बल्ब में हमें किस तरह से इसको चेक करना होता है और कौन सा हमारा कामन बनेगा इसका। तो देखिए दोस्तों, कुछ इस तरह से हमारा सीरीज बल्ब लगा हुआ है। ये देखिए, अब ये हमारी सीरीज बल्ब की पिन है दोस्तों, ये वाली। तो अब हम सीरीज बल्ब पे इसके चेक करेंगे। 100 वाट का बल्ब लगा रखा हमने, आप 200 वाट का पे भी चेक कर सकते हो, और बेहतर तरीके से चेक होगा आपका, और 100 वाट के बल्ब पे भी चेक कर सकते हो। तो चलिए दिखाते हैं। तो देखिए दोस्तों, कुछ इस तरह से, ये देखिए, ये हमारे मिलाने पे आपको दिखाते हैं, सीरीज बल्ब हमारा जल रहा है। ये देखिए, ठीक है दोस्तों, जल रहा है। अब हमको क्या करना है दोस्तों, इसमें देखिए किसी भी एक तार में हमको लेना है। ये देखिए, जैसे कि इसमें हमने रेड में लगा लिया है और दूसरे में हमको लगाना है और देखना है दोस्तों। सीरीज बल्ब की तरफ देखिए कैसा लग रहा है। ये देखिए, इस पर इस तरह से लग रहा है, ठीक है। और अब हम दूसरे वायर पर लेंगे। ये देखिए, हमने दूसरे वायर तार पर लिया है, ये इस पर भी इस तरह से लग रहा है। एक बार फिर से दिखा दें हम आपको, हमने एक तार रेड पे लगाया है और दूसरा हमने लगाया है ब्लैक पे। देखिए ब्लैक पे आपकी सीरीज बल्ब कितना लग रहा है दोस्तों, कितना ग्लो हो रहा है बल्ब बता। ये देखिए, इतना ग्लो हो रहा है। और अब हम येलो पे लगा रहे हैं, देखिए येलो पे भी इतना ग्लो हो रहा है, मतलब दोनों पे ग्लो हो रहा है इतना। देखिए दोस्तों, अब हम क्या करेंगे दोस्तों, हम ब्लैक पे लगाएंगे एक तार और ब्लैक से फिर ब्लैक से येलो में देखेंगे। ये देखिए, येलो पे हमारा बल्ब जो है, येलो पे हमारा बल्ब जो है कम ग्लो हो रहा है दोस्तों। ये देखिए, और इस पे हमारा रेड वाले पे ज़्यादा ग्लो हो रहा है। ये देखिए, अब हम येलो वाले पे लगाएंगे, येलो से भी आप ब्लैक पे देखोगे तो सेम वही कम ग्लो होगा दोस्तों। अब ये कम ग्लो होने का कारण ये है दोस्तों कि इसमें रेजिस्टेंस ज़्यादा बन रहे हैं हमारे, जो कॉइलों की लेंथ ज़्यादा हो गई दोस्तों, तो इसलिए कम ग्लो हो रहे हैं इसमें। और रेड वाला जो हमारा वायर है दोस्तों, इससे हमारा, ये देखिए, रेड से ब्लैक पर भी तेज़ ग्लो हो रहा है दोस्तों और येलो पर भी तेज़ ग्लो हो रहा है।
मतलब कि हमारा जिस पे एक वायर हमारा लगा के दूसरे वायरों पे हम देख रहे हैं दोस्तों, वो वाला तार हमारा कामन रहेगा दोस्तों। जैसे कि इसमें हम रेड पे लगा रहे हैं, रेड से हमारा ब्लैक भी तेज ग्लो हो रहा है और येलो भी तेज ग्लो हो रहा है। मतलब कि हमारा जो रेड वाला है दोस्तों, ये हमारा कामन वायर है इसका दोस्तों। और जिस पे अगर हमारा, ये देखिए, जैसे कि इस पे हमारा डिम बल्ब ग्लो हो रहा है, मतलब कम ग्लो हो रहा है देखिए, तो ये हमारे इस पे रेजिस्टेंस ज़्यादा है दोस्तों। जिस पे तेज ग्लो हो वही हमारा कामन वायर आपको बनाना है दोस्तों, वही हमारा कामन वायर रहेगा। अब इनमें दोनों में से आपको स्टार्टिंग रनिंग का आप चालू करके देख सकते हो, ये हमारा इसमें कामन वायर बन गया रेड वाला। तो इस तरह आप दोस्तों सीरीज बल्ब की मदद से, इस तरह से आप सीरीज बल्ब की मदद से आप दोस्तों बहुत ही आसान तरीके से पता लगा सकते हो। कोई सी भी कंपनी का हो, एक कंपनी का फैन हो दोस्तों, उसमें आप आसानी से पता लगा सकोगे कि किस तरह से हमको कामन वायर बनाना होता है दोस्तों। बहुत सी कंपनियों में क्या होता है, किसी में ब्लू वायर आता है कामन, किसी में येलो वायर कामन दे देते हैं, किसी में रेड दे देते हैं, किसी में ब्लैक दे देते हैं। तो दोस्तों हम कलर वाइज पता नहीं कर सकते कि हमारा कौन सा कामन बनाया होगा कंपनी ने अंदर से। वो कामन वायर देखने के लिए हमको यही एक तरीका रहता है दोस्तों, और ये बहुत ही बढ़िया तरीका रहता है। आप बहुत ही आसान तरीके से इस तरीके से आप देख सकते हो दोस्तों। तो चलिए अब हम आपको इसको चालू करके दिखाते हैं। हम इसमें पहले कैपेसिटर लगा देते हैं दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, ये हमने कैपेसिटर दो तार में जोड़ दिया है, एक ब्लैक में जोड़ दिया है और एक येलो में जोड़ दिया है। तो हम जो ब्लैक वाला उसको रनिंग के लिए लेंगे दोस्तों, और रेड वाला हमारा कामन रहेगा दोस्तों। तो चलिए हम जल्दी से इसको तार को लगा देते हैं और फिर आपको चालू करके दिखाते हैं। तो चलिए देखिए, कुछ इस तरह से दोस्तों हमने ये हमारे मेन तार लगा दिए हैं पावर के, और ये देखिए ब्लैक पे लगाया है एक हमने, और एक रेड जो हमने कामन बनाया उस पर लगाया है। अब आपको इसको हम चला कर दिखाएंगे दोस्तों। चलिए दोस्तों, हमने ये देखिए इसमें पावर दे दिया है, और ये देखिए बहुत ही बढ़िया तरीके से हमारा ये झटका लेके बहुत ही बढ़िया तरीके से हमारा वर्क कर रहा है दोस्तों। तो इस तरह से ये हमारा ओके हो चुका है दोस्तों, और ये हमारा सही से वर्क कर रहा है दोस्तों। तो ये ही तरीका होता है दोस्तों हमारा कामन वायर बनाने के लिए। और इसी तरीके से आप किसी भी पंखे का, किसी भी सीलिंग फैन का दोस्तों कामन बना सकते हो। ये देखने का हमारा बहुत ही आसान और सरल तरीका है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, आई होप तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। और अगर आपका और भी कोई सवाल हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो दोस्तों। चलिए तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।